आप फिर दोनों में फर्क है, वो क्यों भागा, उसकी कौन सी मजबूरी थी, वो तो इसलिए भागा क्योंकि उसको उसे पता है कि उसका कितना विरोध हो रहा है, वो महिला विरोधी आदमी है, कितनी गंदी गंदी बातें बोलता है, कितनी गंदे गंदे गाने बनाता है, है? और वो पश्चिम बंगाल में सोच रहा था कि आसनसोल से चुनाव लड़ेगा क्योंकि वहां पे बिहार से आए बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वहां से शत्रुघ्न सिन्हा जी जो जीते हैं उनको टिकट टीएमसी ने दिया है। आने वाले समय में आप देख लेंगे कि वहां पर स्थिति क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी तो किसी को भी खड़ा कर दे, और मेरा तो वहां से मेरा तो ससुराल है वहां पे, इसलिए मैं मुझे पता है कि वहां की स्थितियां क्या है। इसे कहने में बहुत आसान हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इनके जो तृणमूल कांग्रेस का भी बचाव कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं, आप मुझे बताइए ना। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा, बिल्कुल है, आप कह रही हैं वो जीत जाएंगे कांग्रेस, मैंने ऐसा कहा नहीं, मैंने कहा कि आने वाले समय में देख लीजिएगा कि वहां पे क्या होगा, अभी तो स्थिति साफ होने तो दीजिए। मैं कह रही हूँ कि वहां पे क्योंकि वो बिहार मूल के लोग बहुत सारे आसनसोल में रहते, तो इन्होंने सोचा किसी को भी उठा के दे दो, भारतीय जनता पार्टी सोचती है किसी को भी उठा के दे दो, मगर मोदी जी के नाम पर तो कोई जीत नहीं रहा। और सच्चाई ये है कि जब हम बात करते हैं राहुल दासवान की या विजेंद्र सिंह की, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, ये क्यों छोड़ के चले आए भाई, सिटिंग एमपी छोड़ के चला आता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि दो लोग ऐसे हैं जो बैठ के डिसाइड करेंगे कि किसको इधर से उधर पटकना है, किसकी सीट को किसकी टिकट को काट देना है, लेकिन वो दो जो है उनके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता, ऐसा लोकतंत्र तो भाजपा नवीन जी बताइए क्या कह रहे हैं।